शिक्षक दिवस के मौके पर अंजुमन जियाउल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कामती में सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान एमएम रब्बानी हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के प्राचार्य श्री शबाहत हुसैन और इस्लामिया हाई स्कूल नागपुर के शिक्षक नजमुल साकिब साहब सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान में शहर की सक्रिय संस्था एमएमआर 87A ग्रुप ने एक सम्मान सभा का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता जाने माने लेखक और एयर इंडिया के पूर्व प्रबंधक मोहम्मद अयूब साहब ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा एवं पर्यावरण के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रफीक एएस और जमीयत उलेमाए हिंद कामती के कार्यकर्ता एवं मौलाना मुमताज अहमद कासमी उपस्थित थे। एमएमआर 87A के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब साहब और विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का फूलों से स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न संगठनों और चुनिंदा हस्तियों ने भी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। एमएमआर 87A की ओर से दोनों को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट दी गई। मौके पर शाहिद अजमल और नियाज अहमद ने सम्मानित अतिथियों का परिचय कराया। शहर के मेजबान संगठनों में अफक एजुकेशन, आइडियल पब्लिकेशन, जमाते इस्लामी, एनजीपी न्यूज आदि शामिल थे। शहर के लोकप्रिय युवा नेता शगुर नागानी, प्रोफेसर इसरार, आमिर अफाक, सिराज अहमद जिशान आदि ने भी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। डॉक्टर रफीक एस ने प्राचीन शिक्षा शैली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बीच तुलना को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और उसका विश्लेषण कर उस पर अपने विचार व्यक्त किए। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अनुभव और प्रभाव भी प्रस्तुत किए। सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब ने कार्यक्रम में दिए गए भाषणों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के नकारात्मक पहलुओं और धार्मिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने नकारात्मक विचार से बचने की सलाह दी। अंत में लेखक परवेज अहमद याकूबी ने सभी संगठनों और मेहमानों का, विशेष रूप से अंजुमन जियाउल इस्लाम के प्रमुख वकार अहमद और आसिफ का धन्यवाद किया। एमएमआर 87A हकीम तलत महमूद ने सभा का बहुत अच्छे से संचालन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अमीर नियाज अहमद, शाहिद अजमल, अमीन सानी, जावेद अहमद, निशात अख्तर और उनके सहयोगी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।